कल अरविंद केजरीवाल जी ने, वो अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल दिल्ली के नरेला क्षेत्र में एक दौरा किया और नरेला क्षेत्र दिल्ली का ग्रामीण इलाका है। जब पिछला चुनाव हो रहा था तो इस दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में नरेला जोन, बवाना क्षेत्र, उस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने जब वोट मांगना शुरू किया तो लोगों ने मेट्रो लाने का आवाज बुलंद किया था। चूंकि उस समय चुनाव था, वोट लेना था, इसलिए पिछले चुनाव में जब इनको 70 में 67 सीट मिले तो इन्होंने सबको वादा किया कि हम यहाँ पर यथाशीघ्र मेट्रो लाने के लिए जितनी दिल्ली सरकार के तरफ से जितनी कारगुजारी है उसको पूरा करेंगे। लेकिन कुछ ही समय पहले, लगभग एक से डेढ़ हफ्ते पहले, दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उस मेट्रो योजना को निरस्त कर दिया अपनी तरफ से, भवाना का। इस नॉर्थ वेस्ट जिले के इस क्षेत्र में मेट्रो का जाना उस क्षेत्र के तमाम उन लोगों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो मूलतः दिल्ली के वासी हैं, जिन्होंने दिल्ली के लिए अपने एक सपने पाल रखे हैं, और उन तमाम लोगों के लिए भी जो दिल्ली में आकर के बसे हैं, उनके लिए एक बड़ा कुठाराघात था, एक सदमा था मेट्रो योजना का निरस्त होना। लगातार समाचार आने लगे, हम लोगों ने यदा कदा इस पे बयान भी जारी किए। सबको पता है कि मेट्रो जब भी आती है उसमें आधा पैसा 50% से 60% तक केंद्र सरकार लगाती है और 50% से 40% तक स्टेट की गवर्नमेंट की लगाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जब इस मेट्रो योजना को निरस्त किया कि हम अपने तरफ का जो धन है, जो मद है, उसको हम नहीं लगाएंगे, ये वैसा ही कार्य था जैसे एमसीडी के लिए फंड नहीं देने थे, नहीं करेंगे। यू टर्न की आदत है अरविंद केजरीवाल जी को, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे जो वो सोचते हैं वही ईश्वर सोचता है, जो वो सोचते हैं वही सब कुछ सोचता है। उन्होंने कहा बनेगा तो ठीक है बनेगा, उन्होंने कहा दिया नहीं बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो परेशानी किस स्तर तक बढ़ी वो कल अरविंद केजरीवाल के उस यात्रा में दिख गई। सड़कों पे लोग काले झंडे लेके खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के विरोधी नारे लग रहे हैं। और जब उससे परेशानी हुई तो अरविंद केजरीवाल ने उस अभद्र भाषा का प्रयोग किया कल माइक पर बोलते हुए, जिसकी अपेक्षा मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि बने किसी व्यक्ति से ऐसे भाषा की अपेक्षा भारतीय राजनीति में नहीं हो सकती है। कल अरविंद केजरीवाल ने जिस अहंकार का परिचय दिया है, मैं समझता हूं, जहां तक मेरी समझ है, मैं आज इस बात को दिल्ली की जनता को और सबको बताना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल का अहंकार बहुत जल्दी आम आदमी के पतन का कारण बनेगा, उनको गर्त में ले जाएगा, ये मेरा विश्वास भी है, ये मेरा देख भी रहा हूं। उन्होंने दो बातें कही हैं जो कभी भी सभ्य समाज में इसकी अनुमति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा बीजेपी को जूते पड़ेंगे। मैं आप सभी दिल्ली वासियों को यह पूछना चाहता हूं, एक बार सबसे कहना चाहता हूं, जरा विचार करें यह जूता संस्कृति क्या होती है। एक मुख्यमंत्री जब यह कह रहा है कि हम जूते चलाएंगे, जूते मारेंगे, जूते मरवाएंगे, तो फिर हमें उस रात 12 बजे की घटना भी याद आती है जब यहां के चीफ सेक्रेटरी को अपने बंद कमरे में बुला करके उसको मारा गया।
अगर किसी को डाउट भी होता कि क्या इसमें क्या सच्चाई है, कल जो अरविंद केजरीवाल ने भाषा बोली है वो स्पष्ट करता है कि ये व्यक्ति ये जूतों की भाषा का ही, जूतों के प्रयोग का ही पक्षधर रहा है। और ऐसी घटनाएं हो गई, अंशु प्रकाश जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ भी हुआ। हम लोग जब वहां मिलने गए, हम भी जब लौट रहे थे तो हमारे भी जो हमारी जो टीम गई थी शिष्टमंडल मिलने के लिए दिल्ली के सीलिंग और तमाम व्यवस्थाओं पे, तब भी हम लोगों के साथ यही हुआ था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अपना कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का इतना शिष्टाचार है, जिस निचले स्तर तक अरविंद केजरीवाल गिर सकते हैं और गिर रहे हैं, गिर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी उस स्तर पे गिर के बात नहीं करेगी। लेकिन जब उन्होंने कल ये कहा, बीजेपी वालों औकात में रहो, कौन सी औकात? अभी 15 दिन पहले, 1 महीना पहले नाक रगड़ रगड़ के माफिया मांग रहे थे, तब आपको बीजेपी की औकात नहीं पता थी? नितिन गडकरी जी से माफी, अरुण जेटली जी से माफी, न जाने कितने लोगों से माफी मांगते समय क्या वो नाटक कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप क्या आप सिर्फ सजा से बचने के लिए माफी मांगना चाहते हो? आज यह स्पष्ट हुआ है, कल जो भाषा अरविंद केजरीवाल ने बोली है, वैसे मैं अरविंद केजरीवाल के नाम में जी लगा के बोलता हूं, लेकिन आज मेरा उसके उनके नाम में जी लगाने का मन नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की औकात को ललकारा। भारतीय जनता पार्टी की औकात को ललकारने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी की औकात को नहीं ललकार रहे हो, आप इस देश के 22 राज्यों में जिसने जिस जनता ने सरकार बनाई है, आप उस जनता को ललकार रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी, आपको औकात हम क्या बताएं? अभी पिछले साल 2017 में यहां एमसीडी के आम चुनाव हुए थे, 70 सीट में 67 सीट पाने वाले आप अरविंद केजरीवाल, आपको दिल्ली ने 67 पार्षद नहीं दिए, यह है आपकी औकात। और दिल्ली की जनता ने बता दिया है अरविंद केजरीवाल कि भारतीय जनता पार्टी की औकात क्या है और आपकी औकात क्या है। मुझे बहुत पीड़ा हुई, मुझे बहुत दुख हुआ। अरविंद केजरीवाल के द्वारा जूतों के प्रयोग की पैरवी करना, पक्ष रखना, पक्षधर होना, यह स्पष्ट बताता है कि इन लोगों ने उस रात दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या किया होगा। जब मुख्यमंत्री जूता मारने की बात कर रहा, और किसी की हम क्या बात करेंगे? और अरविंद केजरीवाल जी, मेरी भाषा में आ ही जाता, मैं कहना नहीं चाहता हूं, जी नहीं कहना चाहता अरविंद केजरीवाल के साथ, लेकिन आपको याद रहे कि आपकी पार्टी में आपके विधायक, आपके कार्यकर्ता, कई लोगों की जो आज स्थिति हुई है वो आपके इस डायलॉग से और भी खूंखार बनेंगे। कल तक हमें समझ में आता था कि शायद कोई गलती कोई कर दिया हो, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया कि जिस टीम का सरदार ही जूतों की भाषा का प्रयोग करता है, उसके अन्य किसी को हम क्या समझें, यह हमारी समझ में अब आ गया है। और मैं समझता हूं दिल्ली के लोग भी समझें।